हेलो, वेलकम टू इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी। और आपके मतलब मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा फ्लैट देख रहे हैं, अपार्टमेंट हमारा कौन सा? पुष्पांजलि सीजन्स में चौथे वाले पे 402 नंबर आगरा। तो देखते हैं हमारा फ्लैट कितना बन गया और कैसा है। तो ये है हमारा फ्लैट जो अभी तैयार हो रहा है, मतलब अभी तैयार हुआ नहीं है, इसमें अभी बहुत सा काम बाकी है। अभी तो सफाई भी नहीं की है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इस तरीके से कि कैसा है हमारा फ्लैट। ये हमारा बाथरूम था और ये बालकनी है, जो वॉशिंग एरिया भी कह सकते हो आप जिसको। और ये है हमारी किचन जो बहुत गंदी हो रखी है, आई नो। पेंट होने वाला है, सफाई होने वाली है, फिनिशिंग होने वाली है और बाकी सब काम तो हो रखा है इसमें। और ये है हमारा मास्टर बेडरूम, अभी फर्नीचर का भी काम नहीं करवाया हमने इसको। और ये है हमारा मास्टर बेडरूम से अटैच्ड बाथरूम। और ये है वो बालकनी, मास्टर बेडरूम की बालकनी है ये, जिससे यमुना नदी दिखती है। एक्चुअली हमारा थोड़ा सा मतलब जो फ्लैट है थोड़ा नीचे पड़ जाता है, लेकिन जिनके फ्लैट ऊपर है उनको तो पूरी यमुना नदी पूरा अच्छे दिखती होगी। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। इस घर के पीछे देखिए, आपको थोड़ा सा पानी जो दिख रहा होगा वो ही यमुना नदी है। तो ये है पीछे का ग्रीन एरिया जो हमारी बालकनी से दिखता है। भाई क्या नाम है आपका? अरविंद चाके। अरविंद, ओके। कितने रुपए पर प्लेट कॉस्ट पड़ती है इसकी? 35। 35 रुपए की? ओके। हम अक्सर आपके पास आते रहते हैं, है ना। और ये जो है बैठी है, ये बिना उसके मीठी चटनी के खाती हैं। हाय, गुड इवनिंग। मैं हूँ सोनाक्षी और मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी में आपका स्वागत है। और आज की मतलब आज हम गए थे अपना फ्लैट देखने, जो कि आप सुबह देख चुके हो। उसके बाद में हम आते हुए हमने खाई चाट और कल शाम को हम लेकर आए हैं एक अपने घर में एक नई चीज़, मतलब लेकर आए हैं हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अभी, तो वो मैं लेकर आई हूँ, नया लैपटॉप। और ये जो मैंने ख़रीदा है वो है एच पी का पवेलियन सीरीज़ का। गगन, ये इसका ब्रांड क्या है, मतलब ये क्या है, कौन सा वो है मॉडल? तो मुझे पता नहीं है, पर एच पी का और अराउंड 60,500 का ये मैं पढ़ा है। और 1 ईयर की वारंटी है इसमें। और इसमें ये है 8 GB रैम, 1 TB इसकी हार्ड डिस्क और SSD, इसके अंदर SSD है और भी मतलब बहुत कुछ। आप देख सकते हो HP का जो पवेलियन जो सीरीज़ है, बहुत अच्छा लैपटॉप है। अब तक मैंने यूज़ किया तो मतलब बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद में हम गए फर्नीचर शॉप पे, वहाँ पर हमने मतलब अभी हम फर्नीचर लेने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ आइडिया ले रहे हैं कि कैसा डिज़ाइन लें और क्या मतलब कबर्ट में कैसे मतलब उसके साथ में हम वो करें, कबर्ट हम बनवाएं या फिर उसके साथ ही हम मतलब मैच कर लें, उसी के साथ हम ले लें। तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा, इसलिए हम अलग अलग फर्नीचर शॉप पे जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपको फर्नीचर शॉप की नहीं करवा सकती वो, क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है नो वीडियो शूटिंग, नो कैमरा। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन हमारे फ्लैट में जब सब मतलब वो लगेंगी, मतलब जब भी फर्नीचर लगेगा तो मैं आपको पूरा दिखाऊँगी। और फिर उसके बाद में हम फर्नीचर शॉपिंग से आके फिर हमने
अपना मतलब जो मेरे पास सोफ़ा था, यहाँ पर आप खाली स्पेस देख रहे होगे, तो जो हमारा सोफ़ा था और जो हमारा एक्वेरियम था उसको मैंने OLX पे बेचा, मतलब OLX पे हमने उसे डाल दिया था। और OLX बहुत बढ़िया चीज़ है उस चीज़ में, मतलब OLX पे हमने डाला और वो हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं और उसके बाद में हम जिस प्राइस पे उनको बोलते हैं वो उस प्राइस पे ले जाते हैं। मतलब कि ऐसे हम बार्गेन कर सकते हैं कि जितना हम करवा सकते हैं, तो वो हमसे उन्होंने बोला उतने पे फिर हमने उन्हें वो कर दिया। तो अभी हम शिफ्ट करने वाले हैं, तो हमारे जो काम की चीज़ नहीं है तो वो हम सारी हमने OLX पे डाल दी थी। तो अभी वो सोफ़ा ले गए हैं, एक्वेरियम ले गए हैं, उससे पहले हमने उन्हें दिया था, क्या दिया था हमने उन्हें, क्या दिया था, हाँ एक शू रैक दी थी और एक बुक रैक दी थी और एक दिया था हमने ड्रेसिंग टेबल। तो अभी हमारे पास ये कुछ भी नहीं है, इसके बिना सब कुछ हम रह रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि हमने नई नई गृहस्थी स्टार्ट की है, जिसमें हमारे पास कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं है, कोई शू रैक नहीं है, कोई बुक रैक नहीं है, कोई सोफ़ा नहीं है और कोई मतलब एक्वेरियम तो सबके पास कहाँ होता है। तो फिर आज अभी हमने खाना लेट खाया था दोपहर को, तो आज हम बना रहे हैं शाम को। मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है क्योंकि मैंने खा के आई थी आलू चाट और कांजी वड़े, तो गगन को के ज़्यादा भूख नहीं थी और गगन का कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो इसलिए हम बना रहे हैं आज मैगी। तो मैं ज़्यादातर मैगी प्रेफर नहीं करती हूँ, मैगी मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैगी में यार जैसा कि देख ही सकते हो जो मैगी होती है इसमें आप पीछे जब देखते हो तो सोडियम की जो मात्रा है मतलब पर 70 ग्राम 1172.3 है, तो इसलिए मैं नहीं इसको प्रेफर करती क्योंकि अच्छी तो नहीं है यार। इतना सोडियम तो हम नॉर्मली भी ले लेते हैं हमने बाकी उससे, इतने सोडियम की हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए कभी कभार चलता है लेकिन जनरली मैं इसे नहीं बनाती। तो आज गगन का मन है तो मैं इसलिए ये बना रही हूँ मैगी, ठीक है। तो मैं आपको अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।